सबसे पहले टेल मीडिया की तरफ से आप सब लोगों को पाकिस्तान का ये चैंपियनशिप जीतना कबड्डी का और ख़ासकर हमारे हमसाए मुल्क के साथ, जहां आपको पता है कि सफारती ताल्लुक पहले बहुत ख़राब हैं, आप सबके नॉलेज में ये बात भी है कि इंडिया ने बैन कर दिया था तमाम क्रिकेटर्स पर और तमाम अपने कोई भी ऐसी सपोर्ट होगी जो बायलेटरल होगी टू बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, उन्होंने कहा था ये बैन होंगी। उसके अलावा जितने भी उनके ऑफिशल्स हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और उसके अलावा जो मीडिया उनके चल रहे हैं, तमाम जो स्पोर्ट्समैनशिप जितनी भी थी उसको डिस्करेज करने के लिए उन्होंने बैन किया था कि कोई भी ऐसा बात नहीं की जाएगी जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी दिखाई जाए। उसके बाद पाकिस्तान ने दोस्ती का ये सबूत दिया कि जब तमाम टीमें वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर पर आईं तो उन्हें ऑन अराइवल वीज़ा इशू किए गए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और पूरा उनको सपोर्ट दिया गया ताकि बताया जा सके कि हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को इनक्रेज किया जाए, डिस्करेज ना किया जाए। और आज पाकिस्तान ने जीत कर ये बता दिया कि ज़रूरी नहीं होता किसी के बारे में गलत कहा जाए और फिर उसको अपनी कोई बात बनवाने के लिए उन पर धौंस जमाई जाए। आप किसी के साथ मोहब्बत दिखा के भी जीत के दिखा सकते हैं। हम खुश हैं इस बात पर कि अल्लाह ने पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा इज्जत अदा की। हम लोग खुश हैं अपने उन शेरों के ऊपर जिन्होंने उनके साथ मोहब्बत भी दिखाई और पाकिस्तान को जितवा के एक दफ़ा फिर हमारा नाम बुलंद कर दिया और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे 14 अगस्त एक नए तरीके से मनाने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया पाकिस्तान।